फिलहाल आप देखिए कि हम कैसे पूजा कर रहे हैं। हम आए हैं दीपिका के घर और दीपिका की शादी हुई है एक्चुअली पंजाब में, है ना। तो आज जो हम ये कर रहे हैं वो पंजाबी रीति रिवाज है, लेकिन ये कई और अलग स्टेट्स में भी होता है। थाली फेरने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं होता, राजस्थान में तो हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ खाजे वाजे बनते हैं, डिफरेंट तरीके से होता है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो आप देखिए और बताइए आप भी ऐसे ही करते हो क्या पूजा। आई होप देवी माँ हम कुछ गलती ना करें, गलती करें तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी पूजा स्वीकार करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी आज की ये जो पूजा है वो शुरू की और देखिए यहाँ पर हम अपनी अपनी थाली एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे एक राउंड के बाद आपकी थाली आपके पास आ जाती है। फिर उसे मत्थे से लगा के हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। और पंजाब में ना ये जो गीत बैकग्राउंड में चल रहा था ये लेडीज़ खुद गाती हैं क्योंकि उन्हें आता है, हमें तो आता नहीं था, लेकिन इसीलिए हमने यूट्यूब पर प्ले किया और इसका मीनिंग बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें आपके सुहाग के लिए वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। और इसके बाद जो है हमने जो कहानी है वो भी सुनी, सात भाई और एक बहन की कहानी। हर स्टेट में ये कहानी का वर्जन अलग हो सकता है पर अर्थ सबका बिल्कुल एक ही है। तो आई थिंक हमारे देश की यही खूबसूरती है कि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते होंगे लेकिन जब भी त्यौहार आता है ना तो हम कहीं ना कहीं से एक दूसरे को कनेक्ट कर ही लेते हैं। गुणी बुद्ध धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार पुत्र तथा एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। और यहाँ पर मैं हमारे यहाँ जो कथा कहते हैं वो अपनी किताब से पढ़ के सुना रही थी। इस किताब का मेरी लाइफ में क्या महत्व है ये देखने के लिए आपको मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग भी ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर मैंने हमारे यहाँ कैसे करवा चौथ मनाते हैं वो बहुत अच्छे से विधिपूर्ण तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस बार ना मैंने अपनी सासू माँ से कहा है कि मुझे पूरी विधि अच्छी तरीके से सिखा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं भी बिल्कुल वैसे ही पूजा करूँ जैसे हमारे यहाँ होती है। और देखिए ये श्रुति हमें कुछ बता रही है। ये जो पांच सुपारियां होती है ये हमारे यहाँ गौरी जी का प्रतीक है। इसका जो सिंदूर होता है इसको हम लोग सुहाग लेते हैं। ये जैसे हम लोग या तो पांच मिट्टी के लेते हैं या तो सुपारियां रख लेते हैं। तो ये गौरी जी एक तरीके से हो गई, तो इनका हम लोग सुहाग लेते हैं। तो श्रुति है यूपी से और उसने हमें बताया कि इस तरीके से पांच सुपारी वो थाली में लेकर और उन्हें पार्वती जी का प्रतीक मानकर उनसे सुहाग लेते हैं और तीन बार इस तरीके से माथे पर सिंदूर लगाते हैं। तो आप जो अपने त्यौहार हैं वो अपने स्टेट के अपने परिवार के लोगों के साथ तो मनाते ही हैं जैसे आपके यहाँ मनता है, लेकिन जब आप दूसरी जगह के लोगों से मिलते हैं और उनके रिचुअल्स सुनते हैं देखते हैं तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर करिए, आप अपने त्यौहारों को अपने तरीके से ज़रूर मनाइए, पर आपके दोस्तों से भी पूछिए कि वो कैसे मनाते हैं, उनकी खुशी में शामिल होके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो इन्हें आप जानते हैं सब मेरे ब्लॉग में अक्सर आप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सोनी।
तो सोनी अभी हम लोग पूजा कर चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम सब लोगों का पूरा लुक, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। अरे वाह, ये तो राजस्थान में ही होता है, बता दें हम तुम्हें। ये हमारे इधर भी होता है। होता है हाँ। चलो भाई लाइन से लग गया है। रहो, आओ गले मिल लो। तो आज हाँ। बढ़िया, मेरी सारी थकान उतर जाएगी मुझे लग रहा है। आपके इधर भी होता है। अरे यार रुक जाओ, हम भी आते हैं। सदा सुहागन रहो। सास वाली फीलिंग आ रही है भाभी। तो ये देखिए ये मुझे मिला है। आई मेरा गिर गया। हां जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे वो कर रहा है क्या? क्या नहीं नहीं, आप पैर दबाते हैं। दीपिका दीपिका बस हो गया, गिरा मत देना पैर। दबा के करो। अरे मैंने करा, किया किया उसने, किया किया। कैसे दबा के पैर हो, कब छूते हैं? मैं बड़ी गुस्से में बोल देता। अगर आप पंडित नहीं हो ना, इसलिए आज के दिन मैं आपके पैर नहीं छूंगा। चलो थैंक यू सो मच। डब्बे में डाल दूं या आपके लिए? लाइक एवरी ईयर। ये मेरा ही डब्बा है क्या? नहीं, मेरा डब्बा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए है। तो यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि कई लोग पूजा के बाद चाय पीते हैं, जैसे कि हम भी पियेंगे। एंड थैंक यू सो मच दीपिका, इतने अच्छे से सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत अच्छा लगा पूजा करके साथ में। और मैं एक्चुअली पहली बार आई हूँ दीपिका के घर पे, तो मैं आज आपको उसका घर तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है किचन और यहाँ पे एक छोटी सी सिटिंग भी बनी हुई है। देखिए बड़ा ही क्यूट सा सेटअप लग रहा है। दीपिका किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे तब हम तुम्हारा पूरा घर दिखाएंगे। मोस्ट वेलकम ऑलवेज। हाँ तो फिलहाल चाय के लिए मैं हूँ एक्साइटेड। और ये देखिए पूजा की थाली दीपिका ने यहाँ रख दी है, एंड शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। ओके, दोनों के एकदम कलर्स इतने कॉन्ट्रास्ट है ना, बड़े प्यारे लग रहे हो। बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ अपनी मेहंदी दिखाओ। मैंने एक ही अपने नेल्स, अनु आपके नेल्स ही आने चाहिए, ये देखो। पूरा साज श्रृंगार बहुत मतलब खुल के और कहते हैं ना खुशी से होना चाहिए। मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी जब मैं बोलती थी ना कि अरे मन नहीं है तैयार होने का और ऐसे, तो मम्मी कहती थी ईश्वर ने दिया है, मिल रहा है तो तैयार हो, जिनके पास नहीं है वो चाहे तो भी नहीं हो सकते। तो इसलिए आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ करो, खुश रहा करो और अच्छे से यू नो दोस्तों के साथ मिला करो। मिलोगे तो मन होगा कि हाँ चलो तैयार होते हैं अच्छे से। ले लो ले लो ले लो। हाँ अच्छा, ये जो है हमारा क्यूटेस्ट फ्रेंड है। से हेलो। हाँ तो जोरावर आप कहाँ रहते हो बता दो सबको। लांगन में। तो ये जो है दीपिका का बेटा है और हमारा जिसे हम कहते हैं ना कि कंटिन्यूस फॉलोअर है और क्रिटिक भी है, बताता है इसे कौन सा व्लॉग पसंद आया कौन सा नहीं आया। तो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो तो जैसा कि मैं कह रही थी कि त्योहारों का जो मजा है अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ आता है, और थोड़ी सी एक उमंग जो है ना, कभी कभी होता है कि आप अकेले हो, आपका मन नहीं करता कि अरे नहीं करें, लेकिन जब दोस्त होते हैं ना तो आप अपने आप उठ के तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है सब आपका लुक एडमायर करने वाले हैं। ये देखिए सबसे सुंदर आज अनुष्री लग रही है। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हमारी ये इवनिंग स्पेंड की हम सारे फ्रेंड्स ने साथ में। पूजा बहुत अच्छे से हुई और आप ये जो हमारी एंटरटेनिंग रील्स हैं वो मेरे स्टूडियो कला संगम के अकाउंट पर या फिर अनुश्री गौर 21 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक कर सकते हैं जाके। और इसके बाद किया हम लोगों ने फोटो सेशन। भाई इतने अच्छे से तैयार हुए थे, फोटोज खींचना तो बनता है। देखिए सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। बस यहाँ से सभी को जाना था अपने अपने घर, क्योंकि घर जाके पूजा करनी है और चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलना है। मुझे भी घर जाने की बहुत जल्दी थी अब, क्योंकि जाके बच्चों को डिनर कराना है और क्योंकि कल उनका स्कूल भी है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधे अपने घर। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं, बच्चों का कल स्कूल भी है, तो मैं तो चंद्रमा का वेट करूँगी, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना है। तो आज मैंने तैयारी की है छोले भटूरे की और आपको मिलवा देती हूँ पुनर्व और अनुव्या से भी। कम अनुव्या, हेलो। हेलो। तो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं छोले भटूरे के लिए। और कनुषी भी, कनुषी से हेलो।
से हेलो ऐसे करो हेलो। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। वैसे ये इंस्टेंट भटूरे हैं, इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं छोले भटूरे बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, बच्चों को बहुत भूख लगी है, तो मैं इनके लिए फटाफट भटूरे बनाती हूँ। इसी अटायर में रहूंगी क्योंकि घर के काम भी मैनेज तो करने ही होते हैं हमें, त्योहारों के साथ में आपका रूटीन भी फॉलो तो करना ही होता है। तो यहाँ पर छोले भटूरे की तैयारी जो है मेरी रेडी है, और तेल चढ़ा दिया है मैंने गैस पर। ये है भटूरे का आटा, और हमने थोड़ा पूरी का आटा भी लगाया है इनकेस भटूरे कम पड़ जाएं। और ये मैंने छोले बना लिए थे शाम को, अभी भी गर्म है। और यहाँ पे थोड़ा प्याज कट किया है क्योंकि जब मैं और कुणाल खाएंगे साथ में तो हम इसके साथ प्याज भी खाएंगे। और हाँ, तो बस अब भटूरे बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो है भटूरे की रेसिपी मुझसे मेरी फ्रेंड राज ने शेयर की थी, तो थैंक यू राज। अभी देखते हैं कैसे बनते हैं। वो वीडियो मैंने देखा जो तूने मुझसे शेयर किया था, मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगी। यूट्यूब पर जो वीडियो हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा था कि तेल एकदम गर्म होना चाहिए भटूरे के लिए। तो देखते हैं हमारा भटूरा कैसा बनता है। आई होप अच्छा बने और फूले ना, बच्चों को फूले फूले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे पुनर वनोविया खा रहे हैं छोला भटूरा, और कनुषी को भी एक भटूरा दे दिया है। कुणाल और मैं बाद में खाना खाएंगे जब चंद्रमा हम देख लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे। अच्छा लगा? हाँ। तो बस आज का डिनर यही है, छोले भटूरे, और इसके साथ ऐसे अचार खाते हैं तो, पर बच्चों को वो सब अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा आलू भी डाला था क्योंकि अनुव्या को आलू के साथ पसंद है। कनुषी को ये देखिए कुणाल खिला रहे हैं, क्योंकि कुछ भी करिए आपको बच्चों का रूटीन तो फॉलो करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए अच्छे से। ये मेरी पूजा की थाली यहाँ रखी हुई है, तो बस इसमें जो पानी है उससे मैं चंद्रमा को जो है अर्घ दूंगी। और कनुषी अच्छा लगा? यमी यमी लगा ये। खाना खा रहे हो? खाना खाना, ये तो नो होता है, ये यस होता है, ये यस होता है। कनुषी का नो और यस दोनों सेम है। अभी पुनर्व कैसे लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बच्चों के लिए गरम गरम ही बना रही हूँ। तो बस अभी बच्चे खाना खाएंगे, उसके बाद क्योंकि इन्हें सोना है, कल स्कूल है, और हम देखते हैं कब जो है चंद्रमा हमको देखने मिलेगा। वैसे 8:10 का टाइम था जो कि ऑलरेडी निकल चुका है, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी भी बाहर ऐसी कोई हलचल है, किसी का मैसेज भी नहीं आया है। जैसे आप लोगों के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते होंगे ना, हमारे भी हैं। और मैं राजस्थान में कैसे करवा चौथ मनती है, इस पे मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर का व्लॉग जो है, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना टाइम था, पेंडेमिक की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते थे, तो मैंने घर में ही अकेले पूरी पूजा की थी। तो वो व्लॉग आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज जो मैंने किया वो था कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिली, वहाँ पे मैंने उनके तरह से जो पूजा होती है वो भी की, और जो मेरी तरह से होती है वो भी की, मैं जो कथा कहती हूँ वो भी कही। और मेरा आज का लुक आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इस बार ना बादलों की वजह से चंद्रमा के दर्शन बड़ी मुश्किल से हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने और कुणाल ने दोनों ने दर्शन किए, और मैंने चंद्रमा की पूजा की। उसके बाद कुणाल ने मुझे पानी पिलाया, मैंने उन्हें पिलाया क्योंकि वो भी व्रत करते हैं, और पुनर्व कनुषी को संभाल रहा था। अनुव्या ने हेल्प की ये कुछ प्यारी प्यारी क्लिक्स हमें क्लिक करके देने में, और जिसे मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।